what's left. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आपका भाई फिर से आ चुका है एक नया सेकेंड हैंड कार के शोरूम में, जो कि है हावली में। सो यहाँ पे बहुत सारे कार्स स्टॉक है, अवेलेबल है, और गाइस यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कार आपको कम रेट में मिल जाएंगे। एक से बढ़कर कार्स है यहाँ पे, हर एक मॉडल अवेलेबल है यहाँ पे। आपको अगर कोई सेकेंड हैंड कार चाहिए, वो भी बहुत ही अच्छे मतलब कंडीशन वाले, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। एक बार इस शोरूम को विजिट कीजिए, मैं उसके बारे में डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, आज की जो सबसे पहली कार है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मारुति सुजुकी ऑल्टो 800 BXi जो टॉप मॉडल है यहाँ पे। गाइस बहुत ही अच्छे कंडीशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार व्हाइट कलर की है। और गाइस इसकी माइलेज के बारे में बात करूँ, 44,800 किलोमीटर रन हो चुका है यहाँ पे, आप देख सकते हैं लिस्ट भी है। और गाइस ये इंश्योरेंस भी हुआ है अप टू 2023 तक, इंश्योरेंस भी कम्प्लीट हो चुका है। ये गाइस 2016 का मॉडल है। और गाइस यहाँ पे फाइनेंस भी आपको मिल जाएगा, प्राइस है 3,25,000 ओनली। आपको अगर चाहिए ये ऑल्टो 800 BXi तो आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छे कंडीशन में। मैं अंदर भी एक बार दिखा देता हूँ खोल के, यहाँ पे देख सकते हो सारे चीज़ बहुत ही ओके है, और कोई एक्सीडेंटल कार नहीं है, ये फ्रेश है, दोबारा से कोई प्रिंटेड वगैरह नहीं, ओरिजिनल प्रिंटेड है, देख सकते हो। सो गाइस मूव ऑन गाइस, उसके बाद आते हैं यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर की रेनॉल्ट, बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, यहाँ पे फ्रेश कलर है, कोई दोबारा से प्रिंटेड नहीं है। और गाइस इसके माइलेज के बारे में बात करूँ, गाइस 18,500 किलोमीटर रन हो चुका है ओनली। और गाइस इसका जो मॉडल है 2018 का मॉडल है, आप ले सकते हो, बहुत ही अच्छे बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है। और गाइस इसकी प्राइस के बारे में बात करूँ, ओनली 3,55,000 है ओनली। आप लेना सकते हो तो ले सकते हो, ये रेनॉल्ट बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा लुक्स आ रहा है इसका, मैं अंदर भी एक बार दिखा देता हूँ अंदर की सिचुएशन कैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले भी है, यहाँ पे आई थिंक अभी चाबी नहीं है तो मैं नहीं दिखा सकता अंदर, बस एक बार दिखा दिया आपको। सो आपको अगर रेनॉल्ट चाहिए कोई सेकेंड हैंड, वो भी बहुत ही कम रेट में बहुत ही अच्छे कार, तो ये आप ले सकते हैं। ज़रूर यहाँ पे आइए, विजिट कीजिए, देखिए बहुत सारे कार्स है, कोई एक लेके जाइए। सो मूव ऑन करते हैं गाइस, उसके बाद आते हैं फिर से और एक रेनॉल्ट के पास। यहाँ पर रेनॉल्ट मॉडल है क्विड RXL, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, यहाँ पे देख सकते हैं 2017 का मॉडल है। रनिंग के बारे में बात करूँ, 30,700 किलोमीटर रन हो चुका है, जो ओनर है फर्स्ट ओनर का ही है ये, और इंश्योरेंस अप टू 2022 मतलब इस साल तक इंश्योरेंस भी है, फाइनेंस भी आपको हो जाएगा। प्राइस के बारे में बात करें 2,90,000 ओनली। आपको अगर ये वाला रेनॉल्ट चाहिए तो ये भी ले सकते हो, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में। यहाँ पे है रेड कलर, यहाँ पे है व्हाइट कलर, देख सकते हैं यहाँ पे येलो हेल्स भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ पे टायर भी बहुत ही ठीक ठाक ही है, बहुत ही अच्छे है, और इसका भी बहुत ही बढ़िया है। आपको अगर चाहिए तो ले सकते हो, दो है, एक है व्हाइट एक है रेड। इसका जो प्राइस है गाइस, इसका प्राइस है 2,90,000, और गाइस इसका जो प्राइस है 3,55,000। आपको अगर चाहिए, ये दोनों जो रेनॉल्ट है यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, ये जो व्हाइट कलर की है ये है मैनुअल, यहाँ पे आपको अंदर दिखा दिया, देखिए यहाँ पे ये है मैनुअल, और गाइस वो वाला जो है वो है ऑटो। ऑटो मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो फीचर्स, अलग अलग फीचर्स है यहाँ पे। यहाँ पे डिस्प्ले है, आपको दिख जाएगा बाहर की चीज़ें, कैमरा भी है पीछे शायद। सो ये है ऑटो, ये है मैनुअल। आपको अगर ऑटो लेना चाहते हो तो ये वाला ले सकते हो, आपको अगर नॉर्मली मैनुअल चाहिए तो ये वाला। गाइस उसके बाद आते हैं हुंडई क्रेटा के पास, यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाइट कलर की हुंडई क्रेटा है, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, यहाँ पे कोई दोबारा प्रिंटेड नहीं, ओरिजिनल प्रिंटेड है, कोई एक्सीडेंटल कार नहीं है, ये फ्रेश कार है। यहाँ पे गाइस बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, और प्राइस भी बहुत ही मिनिमम एवरेज प्राइस होगा आपका। और गाइस इसकी जो मतलब ये जो मॉडल है, इस मॉडल की मतलब आपको 2016 का मॉडल है ये, और गाइस यहाँ पे फाइनेंस भी हो जाएगा आपको। इसका जो प्राइस है एवरेज प्राइस है गाइस ओनली 8,80,000। आपको अगर चाहिए तो ले सकते हो ये कार।
वो भी धमाकेदार, फटाफट फटाफट फाइनेंस हो जाएगा, फटाफट घर ले जा सकते हो। गाइस इसका एलोएल्स भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए एलोएल्स भी बहुत ही बढ़िया एलोएल्स है, टायर भी बहुत ही ठीक ठाक ही है, ज़्यादा स्क्रैचेस नहीं है गाड़ी में, ज़्यादा स्क्रैच भी नहीं हुआ है, आप देख सकते हो फ्रेश है, एकदम फ्रेश है, वाइट कलर की है। मैं एक बार अंदर भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कंडीशन में, यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा है। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको अगर कोई मतलब अच्छे कार लेना है, वो भी मिनिमम बजट के अंदर, थोड़ा हाई रैंक की कार, टॉप मॉडल की कार, तो ये कार आप जरूर ले सकते हो, जरूर ले सकते हो। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कार। गाइस उसके बाद आते हैं मारुति सुजुकी डिजायर के पास। गाइस 2014 का मॉडल है, इसका जो रनिंग है 83,000 किलोमीटर रन हो चुका है, इसका जो ओनर है सेकेंड ओनर, और इंश्योरेंस भी 20 साल तक है इसका, फाइनेंस भी आपको हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ठीक ठाक कंडीशन में है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगा, बहुत ही अच्छे कंडीशन में है। यहाँ पर इसका जो प्राइस है 3,70,000। आपको अगर चाहिए कोई मारुति सुजुकी डिज़ायर तो ये भी ले सकते हो। आपको मैं अंदर का भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ किस हालत में है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही ठीक ठाक, बहुत ही अच्छे कंडीशन में। आपको अगर सुई मारुति डिज़ायर लेना है तो ये ले सकते हो, ओनली 3,70,000। यहाँ पे एलोहेल्स आपको दिखा देता हूँ, एलोहेल्स पे भी थोड़ा एक्स्ट्रा काम किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एलोहेल चेंज एलोहेल है, ये मतलब अलग सा लगाया है इन लोगों ने, टायर भी ठीक ठाक ही है। आपको अगर चाहिए ये तो ले सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट कीजिए, जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हो वहाँ पे। सो मूव ऑन गाइस उसके बाद आते हो हुंडई इऑन इरा प्लस, ये देख सकते हो बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, ब्लैक डार्क कलर की है ये कार, बहुत ही अच्छे कंडीशन में। ओनर के बारे में मत करो, सेकंड ओनर की कार है ये, आपको 2022 तक इंश्योरेंस भी हुआ है इसका, और फाइनेंस भी आपको यहाँ से हो जाएगा। और गाइस इसका जो प्राइस है बहुत ही एवरेज प्राइस है, 2,295,00,000 ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हो 2.95 लाख ओनली। आप इसका अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ पे आपको टायर भी एक बार दिखा देता हूँ, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है टायर, मैं अंदर भी एक बार बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, अंदर भी देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छे मेरे हिसाब से, मतलब 2.95 लाख में ये कार आपको बहुत ही अच्छा माइलेज भी देगा, आपको मतलब 15-20 किलोमीटर तक माइलेज देगा पर लीटर पे। आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो ये कार, ओनली 2.95 लाख। यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कंडीशन में, न्यू नया जैसा कंडीशन है, सेकंड ओनर हो तो भी मतलब बहुत ही अच्छा है। और गाइस फाइनेंस के ऑप्शन के बारे में मैंने जैसे कि आपको बताया, वो भी फटाफट हो जाएगा, डॉक्यूमेंट लेके आइए, कुछ मतलब 25 से 35 तक की जमा कीजिए और ले जाइए कार। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट कार। गाइस उसके बाद आते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट BXi के पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे कंडीशन में है, बहुत ही अच्छा माइलेज देगा आपको ये कार, मैं अंदर भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कंडीशन में यहाँ पे है सब चीज़, मैं एक बार इसको लगा भी देता हूँ। उसके बाद मैं बात करूँ, ये फर्स्ट ओनर की कार है, और गाइस फाइनेंस भी आपको हो जाएगा, और गाइस 2018 का मॉडल है, और प्राइस है गाइस ओनली 6,30,000। आपको अगर चाहिए तो ले सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर है डिस्क्रिप्शन में, कॉल करके पूछिए, बात करना है, मतलब शोरूम के बारे में डिटेल्स चाहिए वो भी मिल जाएगा आपको, कुछ जानकारी चाहिए वो भी मिल जाएगा। मैं टायर दिखा देता हूँ एक बार, बहुत ही अच्छे ही है, बहुत ही मतलब थोड़ा बहुत हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, टायर भी ठीक ठाक ही है। यहाँ पे एलो हेल्स देख सकते हो, बहुत ही नया नया है थिंक सो। आपको अगर ये कार चाहिए तो ले सकती हो, ओनली 6,30,000। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। तो गाइस उसके बाद आते हैं हुंडई सेंट्रो ZLS के पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कंडीशन में, रेड कलर की है। यहाँ पे आप कलर भी देख सकते हो, बहुत ही फ्रेश कलर है, कहीं पे थोड़ा सा स्क्रैच भी नहीं हुआ है, अगर थोड़ा बहुत हुआ है आपको दिखाई भी नहीं देगा। सो गाइस इसका जो मॉडल है ये 2011 का मॉडल है, और माइलेज के बारे में बात करूँ 77,000 किलोमीटर रन हो चुका है इसका, और फर्स्ट ओनर का ही है। और गाइस इंश्योरेंस के बारे में बात करूँ 2023 तक का इंश्योरेंस है, और गाइस न्यू बैटरी भी लगाया हुआ है इसमें। और प्राइस के बारे में बात करूँ 2,20,000 है ओनली, इसका प्राइस है 2,20,000। आपको अगर चाहिए तो ले सकते हो। मैं एक बार टायर और एलोहेल दोनों को दिखा देता हूँ, टायर भी देखिए बहुत ही नया है, और एलोहेल्स बहुत ही ठीक ठाक है। आपको अगर चाहिए तो ले सकते हो, मैं अंदर एक बार दिखा देता हूँ अंदर की सिचुएशन कैसा है।
यहाँ पे देख सकते हो अंदर बहुत ही ठीक ठाक, बहुत ही एवरेज कंडीशन में है ये कार। आपको कम बजट में अगर कोई कार चाहिए तो ये कार ले सकते हो, बहुत ही अच्छा माइलेज हो जाएगा, एक्सचेंज भी हो जाएगा गाइस इस शोरूम में। आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए या हमारे एक्सचेंज के बारे में बात करना है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करके जानकारी चाहिए जितना वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नहीं लास्ट कार की तरफ, जो कि आज के वीडियो का लास्ट कार है वो वार, उसके बारे में अभी बात करूंगा मैं। सो देखते आते आ चुकी है लास्ट कार की तरफ, या फिर आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट PXi गाइस 2018 का मॉडल है। रनिंग के बारे में बात करें बहुत ही कम रन हुआ है, ओनली 4800 किलोमीटर रन हो चुका है। फास्ट रनर का कार है ये, और गाइस इंश्योरेंस 2022 तक मतलब इस साल तक की इंश्योरेंस भी है, और गाइस फाइनेंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एलो व्हील्स देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, और गाइस टायर भी बहुत ही ठीक ठाक ओके कंडीशन में है। थोड़ा थोड़ा स्क्रैच हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी इस कार का कंडीशन बहुत अच्छा है। आपको मतलब इसका जो प्राइस है गाइस 6,50,000 ओनली, आपको अगर चाहिए तो ले सकते हो। मैं अंदर भी एक बार दिखा देता हूँ अंदर की कंडीशन। सो यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही ठीक ठाक, बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सो आपको अगर ये चाहिए तो 6,50,000 में मिल जाएगा आपको। आपको अगर कोई सेकेंड हैंड कार लेना है एज ए बहुत अच्छे कंडीशन वाले, वो भी बहुत कम रेट में, तो इस शोरूम से आप ले सकते हो, ले जा सकते हो। एक से बढ़कर एक कार है यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ आपको। जितने भी सभी कारों के ऊपर मैंने बात की है यहाँ पे देख सकते हो, एक से बढ़कर एक कार है अवेलेबल, और भी बहुत सारे है बाहर देख सकते हो आप, वहाँ पे लाइन लगाया हुआ है। सो मैंने सारे के बारे में पूरे डिटेल्स में बता दिया आप लोगों को। आपको अगर कोई सेकेंड हैंड कार खरीदना है तो यहाँ से खरीद सकते हो, आपको बहुत ही कम रेट में अच्छे अच्छे कार्स मिल जाएंगे यहाँ से। सो गाइस आज के लिए इतना ही था, अभी मैं शोरूम के भैया से थोड़ा सा मतलब जानकारी लूँगा, उसके बाद में थोड़ा सा आप लोगों को बोलूँगा इसके बारे में, उसके बाद ही खत्म करूंगा। सो गाइस मैंने भैया से कांटेक्ट करके यहाँ पे आया, आके मतलब थोड़ा जितनी जानकारी मुझे दी गई थी सबके बारे में डिटेल्स में बताया। सो भैया के बारे में, अभी शोरूम के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे, भैया उनका आंसर देगा। सो भैया यहाँ पे तो EMI एक्सचेंज दोनों हो जाता है, तो EMI का काम कितना समय लगते है, मतलब EMI करने में? EMI लगभग 3 दिन, सिविल अच्छा हुआ तो 2 दिन में भी हो सकता है। 2-3 दिन में हो जाएगा आपको, अगर EMI के थ्रू लेना है तो भी ले सकते हो, आप एक्सचेंज करना चाहते हो वो भी हो जाएगा आपको। एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा बोलिए। एक्सचेंज के बारे में लगभग आप जो प्रक्रिया, जो कार है एनी कार एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन डैटसन और फोर्ड शोर के अभी तक। सो गाइस भैया ने बताया कि डैटसन और फोर्ड शोर के सभी कार यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। सो आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आपको अगर कोई सेकेंड हैंड कार चाहिए वो भी बहुत ही बढ़िया और कम रेट में तो यहाँ से ले सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल करके अगर आपको किसी जानकारी भी चाहिए, कोई कार यहाँ पे स्टॉक भी नहीं होता है तो वो भी मिल जाएगा, हम अरेस्ट करवा देंगे। सो आज के लिए इतना ही था, आई होप आपको रिव्यू अच्छा लगा, और चलते हैं गाइस।